बॉलीवुड की अतरंगी दुनिया में कई सुलझे हुए रिश्ते हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा उलझे हुए, जिनमें एक रिश्ता है सौतेली माँ बेटी का। कई अभिनेत्रियों ने तलाकशुदा अभिनेताओं से शादी की है, जिसके चलते उनकी बेटियों की सौतेली माँ वो अभिनेत्रियाँ बन गई। पर हैरानी की बात यह है कि सौतेली माँ बेटियों के बीच जहाँ हमेशा नफरत देखने को मिलती है, वहीं उन सभी के बीच गहरा प्यार देखने को मिला है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही सौतेली माँ बेटियों की जोड़ी से रूबरू कराने वाले हैं। नंबर एक, शबाना आजमी और जोया अख्तर। शबाना आजमी ने जावेद अख्तर के साथ शादी की थी, जो कि उनकी दूसरी शादी थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटी और एक बेटा है, जो इनके सौतेले बच्चे हैं, जिनके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, जिसमें से सौतेली बेटी जोया अख्तर के साथ इनका अच्छा रिश्ता है। दोनों कई बार साथ देखी है, ये उन्हें काफी सपोर्ट करती है और वो भी इनसे अपने मसले हल करवाती है, जिससे उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है। नंबर दो, पूजा भट्ट और सोनी राजदान। पूजा भट्ट और सोनी राजदान के बीच सौतेली माँ बेटी का रिश्ता है। शुरू में इन दोनों के रिश्ते में काफी खटास थी, लेकिन समय के साथ साथ दोनों का रिश्ता पहले से बेहतर हो गया। आज दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है और दोनों कई मौके पर साथ नजर आती हैं और हंसते हुए एक दूसरे के साथ पोज भी देती हैं। अब ये हाल ही में जब पूजा भट्ट बिग बॉस के अंदर गई थी, तो सोनी राजदान ने वीडियो मैसेज के जरिए इन्हें बेस्ट ऑफ लक भी विश किया था। नंबर तीन, इरा खान और किरण राव। आमिर खान की पहली पत्नी की बेटी है इरा खान और दूसरी बीवी किरण राव। संग रिश्ते कभी बिगड़े ही नहीं, दोनों दोस्तों की तरह ही रहे हैं। यहाँ तक कि इरा ने तो अपनी सौतेली माँ की साड़ी भी पहनी थी। दोनों को एक दूसरे के बुरे और अच्छे वक्त में भी साथ देखा जाता था। नंबर चार, दिया मिर्जा और समायरा। दिया मिर्जा को भी वैभव से शादी कर सौतेली माँ बनने का टैग मिला है। वैभव और दिया दोनों की ये दूसरी शादी है। शादी के बाद दिया वैभव की बेटी समायरा की सौतेली माँ बनी। हालांकि दिया और समायरा खूबसूरत बॉन्डिंग शेयर करते हैं। दिया ने वैभव से शादी करने के बाद बेटी को जन्म दिया। समायरा भी अपने सौतेले भाई से बेहद प्यार करती है। नंबर पाँच, करीना कपूर और सारा अली खान। करीना कपूर और सारा अली खान भी सौतेली माँ बेटी की जोड़ी हैं, जिनके बीच में 15 साल का अंतर है। जी हाँ, सारा अपनी सौतेली माँ से 15 साल छोटी हैं। सारा ने एक चैट शो में बताया था कि उनके पिता सैफ अली खान ने कभी नहीं कहा कि वो करीना को छोटी माँ या माँ कहकर बुलाए। उन्होंने कहा, मैं उन्हें के या करीना कहकर बुलाती हूँ, हम दोनों दोस्तों जैसा बॉन्ड शेयर करते हैं। सारा ने बताया था कि जब करीना उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि हम एक फ्रेंडली रिश्ता शेयर करें। नंबर छह, मान्यता दत्त और त्रिशाला दत्त। संजय दत्त की तीसरी बीवी है मान्यता दत्त और संजय दत्त की पहली पत्नी की बेटी है त्रिशाला। बता दें, मान्यता ने हमेशा ही त्रिशाला को काफी अच्छे से रखा है, उन्हें प्यार दिया और माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वहीं जो त्रिशाला मान्यता को अपनी माँ नहीं मानती थी, वो भी उनसे प्यार पाकर उन्हें माँ बोलने लगी थी। और अब दोनों सौतेली माँ बेटी का रिश्ता काफी ज्यादा गहरा हो चुका है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी सौतेली माँ बेटी की जोड़ी अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।